नमस्ते एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपको सोयाबीन की बड़ी के पराठे बना के दिखाएंगे। उनको बनाना बहुत आसान है, मैंने तो बहुत सरल तरीके से बना के दिखाए हैं। और उसके साथ में टमाटर और पुदीना की चटपटी बहुत ही बढ़िया चटनी बना के दिखाई है। चटनी और दही के साथ पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलते हैं आगे, वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो में हम सोयाबीन की बड़ी ले ली है। तो सोयाबीन की बड़ी को मैंने आधे घंटे पहले साफ पानी में भिगो के रख दिया है। ये आधे घंटे में अच्छे से फूल जाएंगी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा आटा ले लिया है, उसमें एक चम्मच अजवाइन डाली है और एक चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा सरसों के तेल का मोवन डाला है। नमक, अजवाइन और तेल वाला मोवन को अच्छे से मिक्स कर देंगे और नरम नरम आटा गूंद के तैयार कर लिया है। पुदीना की चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ताज़ा और फ्रेश मैंने क्यारी में से पुदीना को तोड़ लिया है, तो उसको भी साफ़ करके मैंने काटा है। और उसमें दो हरी मिर्ची डालूंगी, थोड़ी सी अदरक डालूंगी और फिर इसमें डालूंगी टमाटर। टमाटर मेरे छोटे छोटे हैं, ये खट्टे खट्टे देसी टमाटर हैं, तो इनको भी मैं काट लूँगी। चटनी का सामान तो तैयार कर लिया है। चार छोटे छोटे आलू भी उबाल लिए, गरम गरम आलूओं का छिलका उतारा, इनको भी मैं पराठों में ही मिक्स करके डालूंगी। कुछ देर बाद पानी में गली हुई सोयाबीन की बड़ियों को चेक किया तो ये पूरी तरह से फूल गई हैं, तो इनको मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। इस तरह के निकले हुए पानी को मैं क्यारी और गमला वगैरह में डाल देती हूँ। अब मैंने सोयाबीन की बड़ियों को चॉपर में चॉप किया है, तो बहुत ही बढ़िया चॉप हुई है। इसके साथ मैंने एक प्याज को भी चॉप किया है और ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं चटनी बनाने की तैयारी करती हूँ। मिक्सी जार में पुदीना की ताज़ा और फ्रेश पत्तियाँ ली हैं, टमाटर लिए हैं कटे हुए, और थोड़ी खटाई ली है, लाल मिर्च ली है, थोड़ा जीरा लिया है, थोड़ा सा साबुत धनिया लिया है, अदरक नमक के साथ इसको मैंने मिक्सी जार में चटपटी पुदीना की चटनी को भी बना के तैयार कर लिया है। अब मैं बनाती हूँ पराठों में डालने वाली स्वादिष्ट पिट्ठी। तो ये सोयाबीन और प्याज तो पहले ही डले हुए थे और आलू भी मैंने इसमें मिक्स कर लिए हैं अच्छे से। बेसिक मसाले डाले हैं, थोड़ी सी खटाई, लाल मिर्ची, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, नमक, इनको अच्छे से मिला के बहुत ही बढ़िया टेस्टी पिट्ठी बनके तैयार हो गई है। अब मैं पराठे बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक गाय की रोटी बनाई है। पराठे बनाने के लिए छोटी सी रोटी बनाई है और एक कटोरी में मैंने उसे रख लिया है और अच्छे से मैंने उसमें पिट्ठी को डाल दिया और इस तरह से मैंने कवर कर लिया। इस तरह से मैंने लोई बनाई है और लोई अगर कहीं बीच में फट जाती है तो इसे आटे से सूखा आटा डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि बेलते समय ये फटे नहीं। और बहुत आराम से पराठा बन गया है और इस तरह से मैंने सेक लिया है घी लगा के। तो इस तरह से मैंने दो पराठे बनाए और इस एक बच्चे को मैंने लगा के दे दिए। अब मैं और पराठे बनाती हूँ। तो इस तरह से आलू और सोयाबीन के पराठे एक एक करके मैंने सारे सेक लिए हैं। बड़ी के पराठे दही चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि हम मोमोज खा रहे हैं, बिल्कुल मोमोज जैसा स्वाद आता है ऐसे पराठों में। तो फ्रेंड्स बताइएगा, वीडियो देखते देखते लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो कैसा लगा सोयाबीन के पराठे बनाने का तरीका? अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।